हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमिक, हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम, हाइपोफिजियल ट्रैक और नर्वस सिस्टम और न्यूरोनल पाथवे भी इसको कहते हैं, ठीक है, ट्रैक सिस्टम, ठीक है। ये है क्यों, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कनेक्शन है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये है क्यों, फॉर, इसका पर्पस क्या है, हार्मोन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में, स्टोर कहाँ हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और सिग्नलिंग पे रिलीज भी कहाँ से होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है बच्चों। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का लेवल जो है वो कहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है या कहाँ पर स्टिमुलेट हो रहा है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस सेंस करेगा बॉडी सिग्नलिंग को, उतने ज़्यादा यहाँ से प्रोड्यूस करेगा, सो वो यहाँ जाएंगे और यहाँ से बॉडी में सर्कुलेशन में सिक्रीट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम। अब इसके ऑपोजिट जो हाइपोथैलेमस का कनेक्शन है ना इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, क्योंकि वो वेसल्स के थ्रू है, दैट्स हम उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि वो है क्या हमारे पास। अब हमने क्या बताना है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, क्या बताना है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब ये पोर्टल सिस्टम होगा किसके बीच में, ये होगा बच्चों हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान, ऐसी बात है, ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी के दौरान। इस पोर्टल सिस्टम से मुराद क्या होता है, इससे ये मुराद होता है कि हमारे पास ना यहाँ पर होती हैं सुपीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरीज, सुपीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरीज, ठीक है, और यहाँ नीचे होती हैं इन्फीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरीज, ठीक है बच्चों। और इन दोनों आर्टरीज के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोड्यूस कर रही होती हैं पोर्टल वेन्स। सो इस वाले पाथवे को या इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। इन सुपीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरीज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्लेक्सस भी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्लेक्सस। आपके बुक से डायग्राम भी आपको दिखाती हूँ और यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश भी करते हैं हम। होता यूँ है कि ये हाइपोथैलेमस में हमारे पास क्या आ रही होती हैं, आर्टरीज, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस में क्या आती हैं, आर्टरीज। ये आर्टरीज यहाँ पर आकर एक कैपिलरी नेटवर्क में ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, ये कैपिलरी नेटवर्क में ब्रेक हो गई हैं, ठीक है, और ये यूँ करके हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क में ब्रेक हो गई हैं। अब इस कैपिलरी नेटवर्क से आगे जो इनको ड्रेन कर रही हैं ना, ये हैं हमारे पास वेन्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेन्स हैं। ओके, सॉरी फॉर माई रफ ड्राइंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, आर्टरीज थी जो आकर हाइपोथैलेमस को क्या हुई हैं, इंटर हुई हैं। ये है हमारे पास प्राइमरी प्लेक्सस, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी प्लेक्सस है, या ये क्या है, सुपीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरीज, और ये दरमियान में क्या है, पोर्टल वेन्स, ये क्या है, पोर्टल वेन्स। अब यहाँ नीचे आके ना इंटीरियर पिट्यूटरी में ये फिर हमारे पास ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास कैपिलरीज बन जाती हैं, ये हमारे पास दोबारा क्या बन जाती हैं, कैपिलरीज, एंड देन ये हमारे पास क्या है, कैपिलरीज, और ये फिर जो है वो वेन्स में आगे वीनस की साइड पे ड्रेन होंगी। इस बात को हमने नहीं देखना, ये क्या है बच्चों, प्राइमरी प्लेक्सस, ये दरमियान में क्या है, वेन्स, और ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी प्लेक्सस, ये क्या है, सेकेंडरी प्लेक्सस, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है कि हाइपोथैलेमस में से क्या है, प्राइमरी प्लेक्सस, और इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या है, सेकेंडरी प्लेक्सस, और दरमियान में क्या है हमारे पास, पोर्टल वेन। ये जो सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास पड़े होते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स भी और इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी, ठीक है। हाइपोथैलेमस सेंस करता है बॉडी की कंडीशंस को, फैक्टर्स को, और ये डिसाइड करता है कि इधर किसी हार्मोन के रिलीज का टाइम है, ज़रूरत है, या उसको इनहिबिट करने का की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टिमुलस आ रहा है कि हमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट हो रहा है, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इस कैपिलरी के अंदर जो है वो स्टिमुलस, हमारे पास जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इन वेन्स के थ्रू ट्रेवल करेगा और हमारे पास कहाँ आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इस सेकेंडरी प्लेक्सस में। बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और यहाँ पे हमने कहा था इंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो सेल्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रॉप्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रॉप्स। अब यहाँ सेकेंडरी प्लेक्सस में क्या आ चुका है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इस सेकेंडरी प्लेक्सस में से डिफ्यूज होगा, ठीक है, डिफ्यूज होगा, और इन सोमेटोट्रॉप्स को क्या करेगा, जाके
एक्टिव करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस में बना था, वो प्राइमरी प्लेक्सिस देन पोर्टल वेन एंड सेकेंडरी प्लेक्सिस के थ्रू कहाँ पर पहुंच चुका है, इंटीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ से डिफ्यूज करेगा आउटसाइड। इन सोमेटोट्रॉप्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, इनको सिग्नल देगा कि अब रिलीज करो। सो ये सोमेटोट्रॉप्स क्या रिलीज करना शुरू कर देंगे, ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज पे जाके एक्ट करेगा। किन किन टिश्यूज पे और क्या क्या काम करेगा ये हम देखेंगे। सो बच्चों, इस तरह आपको नजर आ रहा है कि किस तरह हाइपोथैलेमस ने इसके थ्रू सिग्नलिंग दी इंटीरियर पिट्यूटरी को और उसमें से हार्मोन्स की सिक्रेशन कराई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। सेम एज यहाँ पे हमारे पास अगर कौन सा है फैक्टर है, यहाँ पर है हमारे पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, और बॉडी में थायराइड हार्मोन की सिक्रीशंस चाहिए। तो ये हाइपोथैलेमस ने जब सेंस कर लिया कि हमें थायराइड हार्मोन रिलीज कराना है, तो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करेगा किसके अंदर, इस प्राइमरी प्लेक्सस के अंदर, जो इन वेन्स के थ्रू होता हुआ यहाँ आएगा। ये फॉर एग्जाम्पल क्या पड़े हुए हमारे पास, थायरोट्रॉप्स, क्योंकि हमने कहा था ना इंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट तरह के सेल्स पड़े हुए हैं, ये जैसे हमने बात की थी। सो हमारे पास क्या पड़े हुए, थायरोट्रॉप्स पड़े हुए हैं। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से होता हुआ इस पोर्टल वेन के थ्रू पोर्टल सिस्टम एंड देन सेकेंडरीज को आके एक्टिवेट करेगा, और ये हमारे पास क्या रिलीज कराना शुरू कर देगा, थायराइड हार्मोन, जो बॉडी में डिफरेंट जगहों पे एक्ट करेगा। सेम एज यहाँ पे हमारे पास होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है बच्चों। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होता है जब प्यूबर्टी का लेवल पहुंचता है, हाइपोथैलेमस सेंस करता है प्यूबर्टी को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करता है कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी प्लेक्सिस, ये प्राइमरी प्लेक्सिस पोर्टल वेन के थ्रू ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर यहाँ आएगा, यहाँ पे गोनेडोट्रोफिन्स को एक्टिवेट करेगा, और गोनेडोट्रोफिन्स क्या रिलीज कराना शुरू कर देंगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो दोनों किस में काम करेंगे, रिप्रोडक्टिव साइकल्स में। सो ये हमारे पास दो चीजें थी कि किस तरह हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सिक्रेशंस को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सिक्रेशंस जिस प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं या जिस ट्रैक के थ्रू हो रही हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम, वो ये है सुप्रा ऑप्टिक पैराविट्रिकल न्यूक्लियस, और हमारे पास सेल बॉडीज ऑफ न्यूरोन एंड न्यूरोन टर्मिनल्स एक्सोन्स, और वहां पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन। जबकि दूसरा है हमारे पास हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, जो क्या करता है, दो आर्टरीज के दरमियान एक वेन है, और ये कनेक्शन है क्यों, ये एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी, और डिफरेंट रिलीजिंग फैक्टर्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं इसमें और पोर्टल वेन के थ्रू आते हुए यहां आते हैं, यहां से डिफ्यूज आउट होते हैं, यहां बड़े सोमेटोट्रॉप, थायरोट्रॉप, मेमोट्रॉप्स को सिग्नल देते हैं, एंड देन उनमें से कॉरेस्पॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होता है और बॉडी में डिफरेंट जगह पे जाके एक्ट करता है। अभी से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमने ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, उसकी एप्लीकेशंस और उसके क्लिनिकल्स को डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन गिवन बिलो।